सब्सक्राइब नाउ। तो हरप्पा से हम निकले हैं, अब हमने जाना है एक बेस्ट प्राइसेस मॉल है वहाँ पर। तो टैक्सी वाले जो देखे हैं 15 रियाल मांग रहे हैं, मैंने 10 रियाल क्या। देखो अभी बाहर मेन सड़क पे जाकर देखते हैं कितने में मुकमुका होता है, फिर चलते हैं उस तरफ और आपको भी दिखाते हैं। तो पहुँच गए हम बेस्ट प्राइसेस पे, सड़क के ऑपोजिट ही उतर गए हैं, क्योंकि वो कह रहा था मैंने आगे जाना, मैं कहा चल उतारते कोई बात नहीं, कोई पाकिस्तानी मिला था तो 10 रियाल में ले आया। उसी टाइम ही मान गया, मुझे लगा शायद मुझे से 5 रियाल कहना चाहिए था। बहरहाल चले पहुँच गए, आपको दिखाते हैं। ये है बेस्ट प्राइसेस कि ये बारबिकन लगी है, ये लिखा हुआ 5.70 में के 80 में, ये मेरे ख्याल से 3 कैन मिलेंगे आपको। तो बड़ा हाल नीचे नहीं लिखा हुआ जहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाँ जिस तरह ये रानी वाला है इसमें भी लिखा हुआ है कि 5.70 में आपको 3 कैन मिलेंगे, अच्छी प्राइस है। उधर तो मेरे अच्छा 2-2, 3-3 हज़ार का एक ही है। बड़ा हाल और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरह ये लगा हुआ है, ये जेलियाँ लगी हुई हैं बच्चों के लिए, कैंडियाँ और जेलियाँ, ये भी अच्छी लग रही हैं। और ऊपर बड़े पैकेट में लगी है अलजात, मेरे ख्याल से ये एक है 5 रियाल 5.75 का एक। ये देखें जी, ये भी जेलियाँ हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं इसमें। और 5.75 में ये चॉकलेट स्प्रेड है, ये देखिए ये भी चॉकलेट 5.75 में ही है। प्रिंस बिस्किट भी लगा हुआ है, फिर उसके अलावा ये जार वगैरह लगे हैं जार। और ये लगी है जी किंडर की एक चॉकलेट 2 पीस है 5.75 में, जो ऑलमोस्ट 6 रियाल के बाहर 5 लिखा हुआ है, पर 6 रियाल लगा लो ना आप, 5.75 मतलब 6। और ये खाने पीने की चीज़ें सब ऐसे, हम इधर काफ़ी ज़्यादा मॉल्स हैं थे पर हम इधर इसलिए आए हैं क्योंकि इसके पास ही कुछ शूज़ों वाली दुकान है जहाँ पर 13-13 रियाल के शूज़ कहते हैं, बहुत कमाल लगे होते हैं, हम अभी वहाँ पर भी जाएंगे। ये बाउंटी है, अच्छा बाउंटी का वेफर टाइप है, ये 4 पीस हैं और ये 2 पीस बाउंटी के, बाउंटी 2 पीस 5.75 में, ये 6 रियाल में 2 पीस है। ट्विक्स है, गलेक्सी है, ये सब ठीक हो गया, अच्छा सिस्टम है। जो वेफल है वो 4-4 पीस है और जो क्या नाम है चॉकलेट्स हैं वो 2 पीस है 5.75 में। उसके अलावा स्नेकर्स का भी यही है, मार्स का भी स्नेकर, मार्स ट्विक्स, नीचे इनके वेफल लगे हुए हैं। और ये जो नीचे लगे हुए हैं ये मुझे बहुत पसंद है, ये हम लेंगे 2। अभी हम पहले देख लें फिर हम आगे चीज़ें लेंगे। ना ये स्नेकर्स वगैरह महंगी लगी हैं क्योंकि अगर स्नेकर्स हम वहाँ पर वो खजूर वाली दुकान से लेते हैं ना तो वहाँ पर ये 50 से 55 का ऑलमोस्ट आपको डब्बा दे रहा है, और यहाँ पर तकरीबन आप अगर लेते हो तो आपको, हाँ खुली में अगर आप 1-2 ले रहे हो तो फिर आपको सस्ती पा रही हैं क्योंकि वहाँ पर खुली में रेट ही तकरीबन 4-5 का है। हरम के पास जो शॉप्स हैं ना, यहाँ पर 6 रियाल में आपको 2 मिल रही हैं, पर अगर बॉक्स पूरा 20 डब्बे वाला लेते हो तो उसके लिए वो हरम के पास वाली शॉप्स बेहतर है। यहाँ पर ये बिस्किट वगैरह लगे हैं, इलायची वाले बिस्किट हैं, लो जी कार्डमम बिस्किट है, चॉकलेट बिस्किट, अच्छा ये आ गया शेर बॉक्स क्रोसेंट वाला। मॉल में तो फिर ऊपर मुझे लग रहा है कि मुझे ये हरम के पास जो खजूर वगैरह वाली दुकान हैं वहाँ पर चॉकलेट अच्छे रेट पर मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे इस तरह फील हो रहा है। तो बाकी हम वहाँ पर भी जाके एक दफ़ा चेक करेंगे फिर आके यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान ना हो जाए। तो किटकैट लगी है यहाँ पर, छोटा पैकेट 5 रियाल का, और वो मिनी वाली हैं उसके अंदर थोड़े पैकेट थोड़ी सी हैं, तो वो भी हम जाके हरम के पास देखेंगे कि वहाँ पर क्या रेट लगा हुआ है। स्नेकर्स का तो मुझे पता लग गया ना, स्नेकर्स 20 है एक बॉक्स में और वहाँ पर 55 वो मुँह से कह रहे हैं, मतलब 50 रियाल तक आपको डब्बा दे देंगे, और अगर 50 रियाल में अगर वो डब्बा दे देते हैं तो यहाँ पर तो फिर महंगी पड़ती है, 57 की हमें पा रही है। ये क्रॉकरी वाली साइड आ गई, नहीं 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 ये हमसे गलती हो गई, असल में ये 900 ग्राम वाला जो बॉक्स है ना वो पा रहा है 57 का, और जबकि जो नीचे है ना ये 600 ग्राम, इस पर मेरी नज़र पड़ी है ये 3 है 5.75 में 3 है, और ये पा रही हैं तकरीबन 40 रियाल से भी कम की। अब ये जाके देखना पड़ेगा वहाँ पर जो हमें मिल रही हैं
वो हमें 600 ग्राम वाला बॉक्स है कि 900 ग्राम वाला बॉक्स है, ये देखेंगे तो पता लगेगा। और मुझे लगता है कि अभी मुझे पेंडिंग कर देना चाहिए और बाद में रेट देख के फिर यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने वहाँ पर देखा ही नहीं। हाँ, ये देखना पड़ेगा, ग्राम ग्राम देख लेते ना, किटकैट का देख लेते हैं, बाउंटी का देख लेते हैं और स्नैकर्स का देख लेते हैं, और उसके अलावा एक दो चॉकलेट्स हो रहा है उनका भी हम ग्राम का वेट देख लेते हैं ना, क्योंकि पीस तो उतने ही हैं, 20-20 पीसीज है। इधर ये बाउंटी है, बाउंटी का भी ग्राम में देख लेते ना, ये है 1400 ग्राम वाला बॉक्स। अच्छा, बाउंटी का 1400 ग्राम वाला बॉक्स है, ठीक हो गया। ट्विक्स का 1200 ग्राम वाला बॉक्स है, और ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी में भी अगर हम बॉक्स लेते हैं तो मेरे ख्याल से 4 फ्री हैं, ये भी देख लेते हैं। आगे लेस वगैरह वाली साइड, और यहाँ पर प्राइस तो लिखी नहीं, हाँ ऊपर लिखा हुआ 2 पीसेस 575 के ही। ये कुरकुरे टाइप है, स्पाइसी लग रहा है, इस तरह खट्टी चीज़ें कहते हैं मुँह में ही पानी है, मतलब कि पानी इकट्ठा हो जाएगा पता नहीं क्यों। तो बड़ा ये इसके साथ लगा हुआ है, ये कौन सा फ्लेवर है, ये कोरियन फ्लेवर है, स्पाइसी चिली है ये भी। ये क्रैकर्स हैं चीज़ फ्लेवर में, ये साइड पे पड़ा हुआ है पता नहीं क्यों। बड़ा इस साइड पे तो केक लगे हुए हैं, केक भी देख ले, केक वगैरह ब्राउनी लगी हुई है। ये देखिए 575 में 9 पीस हैं, ये है क्या, जी भी लग रहा है रहने दो। और ये बार्स वगैरह सफारी है 5, ये भी मज़े की चॉकलेट है, ये भी काफ़ी मज़े की चॉकलेट है, ये है 575 में 5 पीसेस, ये भी वहाँ पर लगे हैं। इसका भी रेट हम यहाँ पर देख लेते हैं ना, 12 पीसेस वाली है, और ग्राम कितने हैं, इसमें ग्राम नहीं लिखा हुआ बस पीसीज ही लिखे हैं। ये बड़े वाला बॉक्स है, 575 में 5 है, और ये भी 575 में 5 है। इसकी पैकिंग क्यों चेंज है, अच्छा ये पीनट क्रंच है, ठीक हो गया। ये टॉफी लक लगी हुई है, ये ट्विक्स की तरह है, ये बाउंटी की तरह है, ये स्नैकर्स की तरह है, इनकी अपनी बनाई हुई। और नीचे वो वाली जैली है, ये जैली बहुत सॉफ्ट है, ये वाली जैली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये मेरे ख्याल से एक ही है, 575 में एक पीस ही है। अच्छी चीज़ें लगी हैं अच्छे रेट में। फिर इसके अलावा आ गई ये चिटोस चीज़ वाले, ये भी हाँ 575 में एक पीस है। फिर उसके साथ आ गई ये सन वेव्स के साथ ये रिंग्स, और रिंग्स के साथ ये सब तकरीबन 1 रियाल, मतलब कि 6 रियाल में एक पीस ही है। ये वाले जो लगे हुए हैं ये 2 पीस हैं जी, ये लगे हुए हैं 6 रियाल में 2 पीस, ये वाले भी और इसके साथ वाले भी, वो आगे तो 6 रियाल में 3 पीस लगे हुए हैं, ये वाले ये 6 में 3 पीस हैं, ये 6 रियाल में 3 पीस लगे हैं, ये वाले 3 पीस लगे हैं, इसके साथ वाले जो हैं वो 2 पीस लगे हैं, और आके सारे तकरीबन एक एक पीस लगे हुए हैं। ये फुल पैकेट भी हैं, ये छोटे पैक के फुल पैकेट हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा ये लेने थे पर मेरे पास सामान की इतनी गुंजाइश नहीं है, रेट मेरा यहाँ से सिर्फ 20 kg है, फिर भी हम देखेंगे। वैसे मेरे कपड़े ही हैं वो, इसके अलावा मेरे ज़्यादा वज़न तो नहीं है, और चॉकलेट्स लेनी है, उसके अलावा मैंने तो कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेनी। ये देखिए जी, ये मिनी पैकेट्स आ जाते हैं, ये लेज आ गई, लेज 3 पैकेट हैं छोटे वाले, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट सब छोटा पैकेट ही लगा हुआ है, हाँ छोटा पैकेट, बड़ा धमाका नहीं है, बस छोटा पैकेट ही है। डोरीटोस लगे हैं, ये भी 3 है डोरीटोस, 5-6 रियाल में 3। हाँ, तो पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पर महंगी है, खड़म के पास सस्ती है, पर जब मैंने वेट देखा ना उनका, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर बड़ा बॉक्स भी लगा और छोटा बॉक्स भी लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खड़म के पास जो लगे हुए हैं ना 55 रियाल के, वो लगे हुए हैं छोटे वाले बॉक्स, जो छोटे वाला बॉक्स इधर तकरीबन 40 रियाल से भी नीचे 39-38 के राउंड अबाउट बन रहा है। और ये अब जाके कन्फर्म कर लेंगे और फिर आके इधर से चॉकलेट्स वगैरह ले लेंगे। और इसके अलावा भी अगर हम ये ना मार्केट से काफ़ी हट के इस टाइम है खड़म से ना, तकरीबन यहाँ पर है कोई 7-8 किलोमीटर का ये रास्ता है, टैक्सी करवा के आपके सामने 10 रियाल दिए हैं उसे, फिर हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर देखते हैं और भी क्या क्या जगह, क्योंकि अभी रास्ते में आते हुए मैंने देखा था कुछ 13-14 रियाल वाली दुकानें भी थी, पर वो बाहर वाली साइड पे थी। अभी हम देखते हैं
यहाँ पर कोई शूज़ों वाली शॉप है वो देखते हैं, अगर हमें मिल गई तो वो भी आपको विजिट करवाते हैं। तो बिल्कुल 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 हमें मिल गया है, उसका नाम कर करीब नहीं कड़ा करीब है, स्पेलिंग में नीचे मेंशन कर दूंगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो अभी विजिट करते हैं, अगर आपको पसंद आए तो इधर आएँ शूज़ वगैरह देखने। और ये तो आपको दिखा दिया बेस्ट प्राइसेस, इसके अलावा वाईफाई है और मज़ीद कुछ ऐसे ही मॉल्स हैं उधर भी हम विज़िट करेंगे आज। तो फ़िलहाल तो हम जाएँ ना कड़ा करीब, आई थिंक इस तरह ही बोलते हैं। तो अभी जाके विज़िट करते हैं शूज़ों वगैरह के लिए या किन चीज़ों के लिए, और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, डबल सीटर गाड़ी है और फुल ओल्ड है, शायद डेकोरेशन के लिए खड़ी की हुई है इन्होंने, चलती चुलती का पता नहीं, फिलहाल यहाँ पर खड़ी थी। ये हम अंदर आ गए हैं कड़ा करीब, बाहर जाके मुझे बाहर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका नाम किस तरह मेंशन है। और ये लगे हुए हैं बच्चों के कपड़े वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये पता नहीं प्राइजेज की सबकी प्राइस मेरा 13 रियाल है। हाँ बिल्कुल ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हर चीज़ की प्राइस 13 रियाल है। यहाँ पर हम देखते हैं चीज़ें और यहाँ से हम शॉपिंग भी करके, ये मुझे हाँ ये स्टफ़ मज़े के लगे हुए हैं यार, चीज़ तो अच्छी लगी हुई है, फ्लेक्सिबल है, हाँ कंफर्टेबल कपड़े हैं। तो बाकी हम पसंद करते हैं 2 से 3 साल के बच्चे के लिए, ये है ये हम पसंद, यहाँ से 2-4 चीज़ें लेंगे। हाँ यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, यहाँ पर शूज़ों वाला सेक्शन भी है, वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि आप जो हरम के पास टॉप 10 वाला आता है ना वो बिल्कुल बेकार है, वहाँ पर बहुत ही हल्की चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए ये जो चीज़ें लगी हैं ना, ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारे स्टफ़ लगे हुए हैं, मुझे तो बड़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि स्टफ़ पर चीज़ें ये 7 रियाल के गालब, ये जो निकर्स वगैरह आ रही हैं ये 7-7 रियाल की हैं, और ऊपर लिखा हुआ 13 रियाल, हाँ ऑलमोस्ट सब 13 रियाल का ही लगा हुआ है। बहुत अच्छी मार्केट है, हम पसंद करते हैं यहाँ पर चीज़ें चंद और लेते हैं। ये देखें ये लगा हुआ है 26 रियाल की, ये वाले लगे हैं 26 रियाल के, ये 6 साल के बच्चे के लिए हैं, ये 2 साल के बच्चे के लिए है, ये 7 शर्ट है और ये पजामा है, मतलब कि क्या है ये, कुछ तो है। तो ये भी प्यारा लगा हुआ है, कलर इसमें लगे हैं यही कलर है, फिर उसके अलावा आपको नज़र आता है ये वाला सूट, ये 26 रियाल में लगा हुआ, ये 4 साल के बच्चे के लिए है, ये 1 से 2 साल के लिए लड़के के लिए लगे हुए हैं। यहाँ जेंट्स वाली साइड पे यहाँ पर पेंट भी ये 13-13 रियाल की ही लगी है, ये शूज़ देखें जो आजकल काफ़ी स्टाइल चल रहा है, ये भी 13 रियाल का ही है, ये तो बच्चों का लगा हुआ है कुछ, हाँ ये भी प्यारा है वैसे तो, क्या प्राइस है इसकी, कितने साल के बच्चे के लिए ये देखते हैं पता नहीं, एक्सल साइज एफ पता नहीं, अब ये कितने बच्चे के लिए है, बहरहाल चीज़ प्यारी लगी है, ये शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं सब 13 रियाल में, शॉर्ट्स हैं 13 रियाल में, और इसके अलावा मज़ीद चीज़ें हैं 13-13 रियाल में, ये 26 रियाल में सेट लगे हुए हैं, ये सेट भी प्यारा है यार, नो पेन नो गेन, खुला डुला मज़ेदार है, मुझे लग रहा है ये मीडियम वाला मुझे आ जाएगा, चले मैं देखता हूँ, एक चीज़ अपने लिए ले लेते हैं, एक ये शॉर्ट्स के साथ है, ये भी प्यारी चीज़ लगी है, जो सेट लगे हैं वो 26 रियाल के लगे हैं, मतलब वो भी 13 रियाल की शर्ट 13 रियाल का आपको ट्राउज़र, और जो सिंगल लगे हैं वो 13 रियाल के, जिस तरह ये ट्राउज़र लगा हुआ है ये भी 13 रियाल का, ये भी 13-13 रियाल के ही लगे हैं, नीचे से चूड़ी वाले हैं मतलब कि बंद हो जाने वाले, और स्टफ़ भी मज़े का ज़िप देखे हैं भी ठीक है, क्योंकि इनकी ना अक्सर पाकिस्तान में जो लोकल मिलते हैं ना उनकी जीप ख़राब हो जाती है जल्दी। और ये शॉर्ट्स भी 13 में, शर्टें लगी हुई हैं, ये तोपें लगी हुई हैं 13-13 रियाल की, यार ये तो काफ़ी अच्छा है, करीब नाम है इसका, मैं आपको बाहर से भी विज़िट करवाता हूँ इसका मत्था किस तरह का, और मैं नीचे मैंशन लिख के दिखा दूँगा आपको कि ये कर करीब किस स्पेलिंग से हैं, और आपको गूगल पर ईज़िली मिल जाएंगे,
यार फुल बीच वाली निकले लगी हैं। बाकू में जाना वैसे बीच पे है, वैसे मैंने पहले ही रख ली मशहूर। वैसे मैं एक निकल मैंने लेनी थी इस तरह की, मेरे एक चाचू ने मुझे कहा हुआ था, पर यहाँ पर साइज देखना पड़ेगा। चले मैं देखता हूँ। ये देखिए ये स्टफ में लगी हुई है, ये पर मोटी है, ये मोटी है, ये दूसरा स्टफ है, ये वाला नहीं स्टफ मुझे इतना मज़े का लगता, ये वाला मज़े का स्टफ थोड़ा सा, ये सिंपल मज़े की चीज़ है। और ये डबल ट्रिपल एक्सल हर साइज़ तकरीबन अवेल है, रज के लगी हैं चीज़ें। तो जी आगे चप्पल वगैरह वाली साइड बेल्टें लगी हैं, ट्राउज़र लगे हुए हैं और साथ सॉक्स वगैरह, और ये कैप्स लगी हैं। अच्छा सॉक्स लगे हैं 10 रियाल में, और 10 रियाल में कितने पीस हैं ये, 1, 2, 3 पीस हैं, ठीक हो गया। हाँ कैप कैप ऑलमोस्ट 13 की है। ये आगे शूज़ में ज़्यादा स्टाइल ये वाले लगे हुए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट लगे सारे ये वाले। इस साइड पे थोड़े से चेंज लगे हुए हैं, ये शूज लगे हुए हैं आम रूटीन में पहनने के लिए, अच्छे हैं सॉफ्ट है। ये ऊपर वाली साइड है इधर की, इधर पर लेडीज है सब, लेडीज़ के टाइट्स वगैरह इस तरह शर्ट्स वगैरह यही चीज़ें लगी हैं। मैक्सी वगैरह मैं देख रहा हूँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही, फिर भी देखते हैं। ये बैग्स भी लगे हैं बाइट वाली साइड पर, अगर आप देखते हो तो ये ऊपर से व्यू है तकरीबन। नीचे तो हर चीज़ 13 रियाल की थी, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या प्राइजेस लगे हैं। ऊपर भी 13 रियाल ही लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सब जगह पर, फिर भी हम विज़िट करते हैं सारा। तो अभी शॉपिंग वगैरह करके मैं बाहर आ गया हूँ, अच्छी चीज़ें लगी थी। ये है जी, ये लगा हुआ है करकड़ी का बोर्ड, और ये है तकरीबन और हमसे तकरीबन 8 किलोमीटर पे है, और अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन।